बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ ऊंचा आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। मैं बना रही हूँ पीनट बटर, तो बच्चों के लिए बना रही हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और आजकल क्योंकि पीनट सीज़न में है तो इसलिए मैं पीनट बटर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक कप पीनट ले ली है। मैंने इसको खुद पील ऑफ करके, तो इसको मैंने इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। और ड्राई रोस्ट करने से ये है कि इसका जो ऑयल अपना होता है ना, वो इसका निकल आता है और फिर ये बहुत आसानी से जो है, अगर रोस्ट किए बगैर बनाएंगे तो फिर अच्छा सा नहीं बनेगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैं इसको कर लेती हूँ, रोस्ट करूँगी 3 से 4 मिनट। तो जब अच्छी सी रोस्ट हो जाएगी तो फिर इसको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना, नीम गर्म होनी चाहिए जब आप इसको पीसते हैं। ये देखिए चॉपर में डाल के तो मैं इसको पीस लूँगी और इसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा बटर। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल आप ओलिव ऑयल भी ले सकते हैं या फिर पीनट का ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। तो जो बाज़ार से हमें मिलता है वो बहुत महंगा सा होता है, पीनट आपको पता है इतनी महंगी नहीं होती, दूसरे ड्राई फ्रूट के मुकाबले में सस्ती होती है, लेकिन इसमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वेट लॉस के लिए भी ये बहुत अहम है। आप ब्राउन ब्रेड के ऊपर आप 1 चम्मच सुबह नाश्ते में लगाकर खाएं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इससे वेट कम होता है क्योंकि आपको भूख नहीं इससे इतनी लगती। और इसमें बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें प्रोटीन है बहुत हाई क्वालिटी में, और इसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये बन गया। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें बटर यूज़ किया है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो चीनी मैंने इसमें नहीं डाली क्योंकि चीनी, अगर आप इसमें चीनी का यूज़ करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं ताकि आपको मीठे की कमी भी फील ना हो। तो क्योंकि बटर जो है वो साल्टेड था तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा इसमें नमक यूज़ किया। आप देखिए कितनी आसानी से ये बन गया। अगर आपको मज़ीद बारीक करना है, फाइन करना है, तो आप थोड़ा सा और चापर चला लें, लेकिन मेरे बच्चों को इसी तरह पसंद है। इसको आप बच्चों को दूध में भी डाल के दे सकते हैं, बच्चे और बड़े सबके लिए ये मुफीद है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अपनी डेली की डाइट में इसका हिस्सा रखना चाहिए। 2 चम्मच के करीब अगर आप सुबह नाश्ते में या फिर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप इसका यूज़ कर लेते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए, दिल के लिए भी ये बहुत अच्छा है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी ये हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए इसका यूज़ ज़रूर किया करें अपनी सेहत के लिए। तो आप भी ज़रूर तैयार कीजिए, बहुत आसानी से घर पर बन जाता है। लेकिन जब हम बाज़ार से लाते हैं तो वो बहुत महंगा होता है। अब मैंने इसको थोड़ा जार में डाल लिया है और इसको आप फ्रिज के बगैर भी आजकल रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसका यूज़ इस तरह भी कर सकते हैं, आप ब्रेड पे लगा के तो खा सकते हैं, लेकिन आप इसको स्मूदीज़ बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच डाल लें तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। साथ आप चीनी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, इसमें शहद यूज़ कर सकते हैं।